दफा फसा किया गया तो फिर भी फिरता रहा जी, जंगलों में फिरता रहा। दूसरी दफा फसा किया गया फिर भी जंगलों में, फिर भी बादशाही मुकम्मल नहीं मिली, कंप्लीट बादशाही नहीं मिली। तीसरी दफा जब फसा किया गया तो तब पूरी बनी इसराइल की बादशाही उसको दी गई। और आज किसी को मैं कह दूं, किसी को जरा सा कोई बंदा मसा कर देवे ना, आया मसा होगा साहब जी, वो तो ठहरता ही नहीं ना बंदा, वो तो बंदा काबू ही नहीं आता। तो दाऊद देखने पका मसा होने के बावजूद भी जंगलों में फिरता रहा, तो खुदा ने कोई गिला शिकवा नहीं किया, खुदा ने मेरा मसा किया है तो मैं जंगलों में फिर रहा। बादशाह होने के लिए मसा किया, जब 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 साउल साउल गया उसको मसा करने के लिए, तो खुदा ने उसको कहा जाओ उसको यसी के बेटे को मसा कर। और हिस्ट्री कहती है कि कलाम में ये लिखा गया है कि जब भी अनॉइंट किया गया है तो पेलोठे को मसा दिया गया, तो दाऊद की सी सबसे छोटा ते मसा किया गया बादशाह बनने के लिए। क्यों मसा किया गया? क्योंकि खुदा के दिल के मुआफिक उसे मिल गया। क्यों? कि खुदा की मर्जी पूरी करने वाला उसे मिला। क्या मर्जी का करने वाला मिला? उसकी मर्जी पूरी करने वाला मिला। मैं दाऊद के बारे में बड़ी डिटेल में देख रहा था, बहुत सारी चीजें। एक शख्स दाऊद को लानत कर रहा था, लानत कर रहा है। तो दाऊद के लोग कहते हैं मार नहीं दिए थे, कहना रहने दो, लानत करने दो। कहना अगर मेरे खुदा ने अनुना किया होगा तो यदि की जरूरत सी कि मेरे को लानत करता। और आज हमें कोई करके तो जाए किसी को, सर जी मैं कहता हूँ तुम आम शख्स को छोड़ दो, किसी असल में अगर किसी खादम को परखना है ना तो दो गल करके भेज दो, नंग के बाद में किसी को। और ये शख्स इसके ऊपर लानत कर, लानत कर रहा है। और वो बंदा कह रहा है कि यार तू छोड़ करने दे लानत, तो मर्जी वाला है कि नहीं? खुदा ने मेरे हमारे चर्च में यंगस्टर्स के लिए मुझे मुझसे मेरे जरिए कलाम करवाया, नहीं कि मैं बड़ा वड्डा बन गया। खुदा ने यंगस्टर्स के लिए प्रोफेसी करवाई कि अगर आप चाहते हैं कि आप जो है अपनी ज़िंदगी में कामयाब खिदमत करें और कामयाबी की राहों पर चलें तो मेरे बंदे दाऊद के जैसे हो जाए। क्यों? कि दाऊद के अंदर एक खूबी थी, पता की करता सी, घरों निकलना भी है ना, तो पता की करता सी, खुदा की मर्जी पूछता था। और वह दाऊद है जिसने 66 जंगें लड़ी और 66 की 66 जीती, एक भी नहीं आ रहा। और पूरी 600 लोगों को लेके उसने 400 लोगों को लेके ऐसी ऐसी जंगें जीता है ये सोच भी नहीं सकते आप। 17 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र होती किसी ने जब जूलियत को जाके मारा। क्यों? क्योंकि खुदा की मर्जी को पूरा करने वाला, खुदा की मर्जी पर चलने वाला। एक ही गुनाह हुआ उससे हुआ, बाइबल कहता है अरे दो गुनाह है, एक उसने जो हत्थी उसके बदसबा के साथ जो उसने बदफेली की, दूसरा उसने क्या किया उसके शोहर को मरवाया। दो ये दो खताएं लिखी है, कहते हैं इसके अलावा बाइबल कहती है कि उसने कोई ऐसी खता नहीं की, लिखा हुआ है, दर्ज है ये बाइबल के अंदर। क्यों दाऊद उसके, अब दाऊद के अंदर मैं आपको बताऊं कुछ खूबियां थी। मैंने पहले बताया ना कि कुछ बातें ऐसी थी जो अब हर बंदा ऐसा नहीं हो सकता। अगर आज हम ऐसे हो जाएं तो क्या ही खूबसूरत होगा। कहता है पहले हम अगर पहले जबूर को देखें ना, तो पहले जबूर को ऐसा काम शुरू कर दिया दाऊद ने। हालांकि पहले सैमुएल और दूसरे सैमुएल की किताब जो है भरी पड़ी है दाऊद के वाकयात से, और तवारीख जो पहली तवारीख है वो भी भरी पड़ी है। लेकिन पहला ज़बूर क्या कहता है, पास्टर नासर का फेवरेट ज़बूर है जो बड़ा अच्छा कहता है, मुबारक है वो शख्स जो क्या नहीं करता, शरीफों की सलाह करनी चाहता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और कट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, खुदावंद की शरीयत पर दिन और रात उसका ध्यान होता है कि जो कुछ खुदावंद मुझसे बोल रहा है मैं उन्हें सुना ते ओदे ओदे की करा। उसको मुबारक शख्स कह रहा है वो, क्योंकि उसको पता है इस बात का कि मैं मुबारक कैसे बना, मैंने खुदावंद की शरीयत पर